हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स बाय माहिरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं रूप मंत्रा एंड आयुर्वेदिक मेडिसिनल क्रीम का रिव्यू कर रही हूँ। 30 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड इसका प्राइस है 93 रुपीज़। दोस्तों 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ के साथ ये आता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसकी आउटर पैकेजिंग भी आती है। दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे, ये आप इसकी इनर पैकेजिंग देख रहे हैं। दिस इज़ द इनर पैकेजिंग। ये एक आउटर पैकेजिंग के साथ आता है, कार्डबोर्ड की बॉक्स की किसकी आउटर पैकेजिंग होती है उसमें भी सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं, बट वो मुझसे कहीं गुम हो गया तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। तो मैं इसकी इनर पैकेजिंग का ही आज रिव्यू कर रही हूँ दोस्तों। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस क्रीम। ये इस तरह की ट्यूब की पैकेजिंग में आता है एज़ यू कैन सी, एंड यहाँ से ये ओपन होता है। एंड मैं आपको बता दूँ, ये 100% पैराबेन फ्री है, 100% वेगन प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स एडेड नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी आप रूप मंत्र के कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, जैसे कि अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो ये आपको आउटर पैकेजिंग के साथ मिलेगा। आउटर पैकेजिंग पे एक एलुमिनियम फॉइल स्क्वायर शेप में एक लोगो रहता है जिसमें डॉक्टर जुनेजा लिखा हुआ रहता है। वो लोगो अगर रूप मंत्रा के प्रोडक्ट्स में रहता है, इसका मतलब ये है कि वो ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट हैं। तो अगर जब आप बाय करोगे तो वो लोगो रहेगा तो आप समझ जाना कि वो ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो लोगो नहीं रहेगा तो आप समझ जाना कि कोई डुप्लीसी का सामना करना पड़ा है आपको, तो आप उस क्रीम को बाई नहीं करिएगा दोस्तों। सो यही बताना था मुझे। एंड ये आप देख सकते हैं, थ्री यूज़ फॉर वीक्स सी द रिजल्ट्स। तो ये आप 3 हफ्ते इस्तेमाल करो एंड आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मगर अब हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है आखिर। उससे पहले मैं आपको इसके बैक की डिटेल्स दे देती हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल, सल्फेट या हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये 100% हर्बल प्रोडक्ट है एंड रूप मंत्रा के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल एंड हर्बल होते हैं। दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा धृत कुमारी यानी कि एलोवेरा, तुलसी मिल जाएगा आपको, एंड आपको हल्दी मिल जाएगी यानी कि टर्मरिक, गाजर यानी कि कैरेट के एक्स्ट्रैक्ट्स, नींबू यानी कि सिट्रस लेमन, खीरा यानी कि कुकुम्बर, बादाम यानी कि आलमंड्स, सेब यानी कि एप्पल, द्राक्ष यानी कि वाइटस वनिफेरा, एंड आपको इसमें नीम के बीज भी मिल जाएंगे यानी कि नीम के सीड्स के एक्स्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। प्लस इसमें आपको चंदन भी मिल जाएगा जो कि आपकी सुंदरता को निखारने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है। हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एक्ने, पिंपल, बॉयल, स्किन इन्फेक्शन एक्सेट्रा, रिफ्रेशिंग, रिवाइटलाइजिंग, नरिशिंग मेडिसिन ऑइंटमेंट, सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्किन। सो दोस्तों ये ऑल स्किन टाइप्स प्रोडक्ट है एंड ये आपको एक्ने से प्रोटेक्ट करता है, पिंपल से प्रोटेक्ट करता है, बॉयल से प्रोटेक्ट करता है, स्किन इन्फेक्शंस नहीं होने देता है। ये आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है, रिवाइटलाइजिंग थेरेपी के साथ आता है, ये आपकी स्किन को नरिश भी करता है दोस्तों। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा। उससे पहले आप देख लीजिए कि ये प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा है एंड इसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। टेक्सचर इसका काफ़ी बहुत ही ज़्यादा रनी नहीं है दोस्तों, एंड इसका टेक्सचर मुझे कुछ सनस्क्रीन टाइप का टेक्सचर इसका लगता है, क्योंकि ये जब अप्लाई करोगे ना तो अब्जॉर्ब होने से पहले थोड़ा वाइट सा लगता है स्किन पर, जिस तरह की सनस्क्रीन लगते हैं। सो दिस इज़ अ टेक्स्चर ऑफ द स्किन क्रीम। एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे एक चीज़ इस क्रीम की, सिर्फ एक छोटा सा माइनस पॉइंट है इसमें, ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता है दोस्तों। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका टेक्स्चर लाइट वेटेड है एंड आपको बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होगा, काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग सी फील होगी आपको इसको अप्लाई करने के बाद, मगर ये जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। एज यू कैन सी वाइट स्कार्स आपको मेरी स्किन पर दिख रहे हैं एंड थोड़ा थोड़ा ये रह जाएगा, थोड़ा ब्लेंडिंग में इसका मसला है, ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता है स्किन पर, बट एज़ यू कैन सी द डिफरेंस, थोड़ा थोड़ा ये स्किन को इवन टोन कर देता है, इंस्टेंट ही इवन टोन करता है ये। आप ये हाथ देख लो एंड ये हाथ देख लो, ये थोड़ा थोड़ा स्किन को इवन टोन कर देता है, थोड़ी आपकी स्किन इससे गोरी दिखती है दोस्तों। एंड अगर आपकी स्किन पिंपल है, आपको आपकी स्किन पे एक्ने है, तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये एक्ने पिंपल को बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है, प्लस डार्क स्पॉट्स को भी फेयर आउट करता है। ये स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश भी करता है दोस्तों, मॉइस्चराइज भी करता है एंड ये आपकी स्किन को इवन टोन भी करता है दोस्तों। बट हाँ,
इसमें कोई SPF नहीं है, क्योंकि हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे मॉइस्चराइजर्स आ रहे हैं डे क्रीम जिसमें SPF मिलता है, बट इसमें SPF नहीं है दोस्तों। तो अगर आप इसको मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके अप्लाई करने के बाद आपको SPF वाला सनस्क्रीन, अच्छा सनस्क्रीन आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। इसे मेल्स एंड फीमेल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसे यू नो टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% नेचुरल है, पैराबेन फ्री है, एनिमल टेस्टिंग फ्री है, एंड तो ये आपकी स्किन पर बिल्कुल सेफ़ है। तो इसे टीनेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मेल्स यूज़ कर सकते हैं, फीमेल्स यूज़ कर सकते हैं, अडल्ट भी, अडल्ट तो यूज़ कर ही सकते हैं दोस्तों इसे। प्लस इसे आप अपने एंटायर फैमिली यानी आप चिल्ड्रंस को भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड या और मैं आपको बता दूँ इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये बहुत अच्छा क्रीम है दोस्तों। मुझे रिसेंटली पिंपल एंड एक्ने की प्रॉब्लम हो गई थी एंड मैंने इसको अप्लाई किया, इसने पिंपल्स को दो हफ्ते के अंदर इसमें पिंपल को ड्राई आउट किया है, डार्क स्पॉट्स को भी फेड आउट बहुत ही अच्छे से करता है ये, प्लस स्किन को नरिश करता है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसे आप मॉर्निंग में ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आपने आपको फेस को क्लीन कर लेना है एंड देन इसको आपको अप्लाई कर लेना है आफ्टर टोनर। एंड आप इसे रात में भी एज अ नाइट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं, आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है एंड देन इसको आप अपने नेक और फेस दोनों पे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करके आपको सो जाना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्रीम है ये, बहुत ही कम प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको लगती है, ज़रा सा आप लोगे आपके पूरे फेस पर अप्लाई हो जाता है ये, जल्दी खत्म नहीं होता है। ऑल स्किन टाइप्स प्रोडक्ट है, ड्राई स्किन, नॉर्मल, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही माइनस पॉइंट है इसका, ये जल्दी ब्लेंड नहीं होता है, जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता है दोस्तों। बात करती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस की, फ्रेग्रेंस इसका बिल्कुल सोप के जैसा है। लाइक अगर आपने नीमा सैंडल या नीमा रोज़ या फिर अगर आपने संतूर के सोप्स यूज़ किए होंगे तो जिस तरह उनकी स्मेल होती है बिल्कुल उसी तरह स्मेल है इसकी, बट बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल माइल्ड स्मेल है एंड फ्रेग्रेंस थोड़ी देर के बाद वैनिश हो जाती है। सो मेरे तरफ से इस प्रोडक्ट को मैं दूंगी 9 out of 10। एक मैं माइनस पॉइंट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जल्दी यू नो स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यू नो हर्बल है एंड रूप मंत्रा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। मैंने इसे कहाँ से मंगवाया है आप ये जान लीजिए, ये मुझे PR में रिसीव हुआ था एक्चुअली काफ़ी पहले, बट मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाई थी, तो ये मुझे PR में रिसीव हुआ था दोस्तों। बट ये आपको Amazon, Flipkart एंड Nykaa पे भी मिल जाएगा, लोकल स्टोर्स पे भी मिल जाएगा। मैं इतना इंसिस्ट इसलिए कर रही हूँ ना इसके लिए क्योंकि इसको एक बार ट्राई करना बनता है, इसलिए नहीं कि ये मुझे PR में रिसीव हुआ है, इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, बहुत लोगों ने इसे इस्तेमाल किया होगा एंड बहुत लोग अगर नहीं इस्तेमाल किए तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। एक्ने पिंपल वाले लोगों को तो मैं ये हाईली रेकमेंड करूँगी दोस्तों, तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्रीम है ये एंड मैं ये आपको हाईली रेकमेंड करूँगी दोस्तों, इट्स अ वेरी नाइस क्रीम। सो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू, अगर ये रिव्यू वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी और मेरी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकेंगे, मेरी कोई भी वीडियोज़ आप मिस नहीं करेंगे दोस्तों। एंड मैं अपने चैनल पर ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, शॉपिंग हॉल लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।